हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ऑफसेट लाइन का डिग्री कैसे निकालते हैं और उसका ऑफसेट लाइन में ट्रैवल लेंथ कैसे निकालते हैं। जो ये आप देख रहे हैं ये ट्रैवल लेंथ हम इसको कहते हैं, तो हम इसमें ट्रैवल लेंथ कैसे निकालते हैं और डिग्री कैसे निकालते हैं इसका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिग्री निकालना बताता हूँ, जो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आप एक बार और बता देता हूँ। ये हमारा रन पाइप होता है जो सीधा लाइन ऐसे जा रहा है और फिर कितना ऑफसेट हो रहा है तो उसे हम ऑफसेट कहते हैं, फिर ये रन पाइप आ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमारा पाइप जो है ये जो देख रहे हैं पीला कलर तक का पाइप, पीला कलर तक जहाँ पे आया हुआ है वहाँ तक पाइप है, ठीक है। और इधर से भी जो ब्लू और पीला जो आया हुआ है यहाँ तक हमारा पाइप है। तो यहाँ से लेकर के हम इस पाइप तक का लेंथ हम निकाल लेंगे, अगर फील्ड मेजरमेंट आप ले रहे हैं तो उसके हिसाब से, या फिर ड्राइंग में इस तरीके से रोलिंग दिखा रहा है तो आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और यही फॉर्मूला स्ट्रक्चरल में लेआउट बनाने में आएगा, आपको मैं बता दूंगा बाद में स्ट्रक्चर के लेआउट में कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ से हम डायमेंशन लेंगे हमारा ये पाइप तक, मतलब हमारा ये रनिंग पाइप में कितना दिखा रहा है ये लेंथ, इस पाइप के एंड से ये पाइप के इंड तक, और ये पाइप के सेंटर से ये पाइप के सेंटर तक कितना ऑफसेट हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो हमारा ये हो रहा है 1 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मीटर, और फिर ये पाइप के सेंटर से लेकर के ये पाइप के सेंटर तक 800 हो रहा है, 800, और यहाँ पे 1000 mm, और यहाँ पे 800 mm, ठीक है। तो इसमें हम डिग्री निकालने के लिए ये करते हैं कि ऑफसेट को रन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑफसेट है और ये हमारा रनिंग हो गया, तो हम इसको ऑफसेट को डिवाइड रन से करेंगे तो आंसर इनटू 10-1 बराबर आपको डिग्री निकल जाएगा कि ये कितना डिग्री में है। तो ये मैं आपको सबसे पहले करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसका ट्रैवल लेंथ निकालना मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैं सब कुछ बना दिया हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे फ्रेंड आप ये देख रहे हैं हमारा यहाँ पे 1 मीटर है और ये 800 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 800 और डिवाइड 1 मीटर, ओके। तो 0.8 ये हमारा टैन होता है, जो यहाँ पे देख रहे हैं ये टैन जो लिखा हुआ है ये टैन आता है, तो हम इसको क्या करेंगे 0.8 को, और यहाँ पे हम लेंगे ये टेन माइनस वन ये वाला हम लेंगे, टेन माइनस, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये टेन, ये वाला टेन नहीं लेना है, टेन माइनस वन लेना है। तो यहाँ पे ये आ गया, और फिर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे 0.8 और इसको हम ओके कर देंगे। तो ये देखिए 38.65 डिग्री में ये हमारा पाइप जा रहा है, ये डिग्री निकल गया। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसका हम ये ट्रैवल लेंथ जो है उसको कैसे निकालते हैं। जैसे ये 1 मीटर है और ये 800 है, तो 1 मीटर को 1 मीटर में इंटू कर देंगे, ये यहाँ पे लेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू x2, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे और फिर लेंगे 800 और फिर हम x2 दबा देंगे, तो यहाँ पे 1640 यहाँ पे देख रहे हैं 1640000 आया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, इस तरफ करके ये जो है अंडर ऑफ रूट लगा देंगे, ये उस तरफ चला गया, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं इतना को कट, और इस तरफ ऐड कर देते हैं हम, ठीक है, पेस्ट कर देंगे। तो पहले हम ये वाला अंडर ऑफ रूट लेंगे और उसमें ये जो आंसर आया हुआ है उसे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 मीटर 280 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मीटर 280। ये जो डायमेंशन आया हुआ है ये पाइप के सेंटर से और ये पाइप का सेंटर तक, मतलब एकदम इंड तक आया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे इसको तो इसमें हम एल्बो सेंटर माइनस करेंगे, तो 38.65 डिग्री का जो एल्बो होगा उसका सेंटर हम इसमें माइनस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 इंच एल्बो सेंटर, 4 इंच का 38.65 डिग्री का एल्बो सेंटर जो होगा 53.44 आएगा, तो डबल एल्बो सेंटर हम माइनस करेंगे तो इसमें ये आएगा 1 मीटर 173। तो फ्रेंड हमारा ये जो है ट्रैवल लेंथ, यहाँ से ये एल्बो का सेंटर माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया जो रेड वाला है, और इसका
लेंथ हो जाएगा 1173। तो फ्रेंड जैसे आप ये देख रहे हैं 38.65 डिग्री जो दिखा रहा है, तो इसे हम 38.65 नहीं कहेंगे, इसे हम 38.5 डिग्री मान सकते हैं। दूसरा अगर मान लीजिए ये दोनों तरफ अगर बराबर हो तो ये 45 डिग्री का हो गया। तो 45 डिग्री का अगर हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये दोनों साइड बराबर हो तो दोनों साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 मीटर ये 1 मीटर है, तो उसमें कोई भी एक लेंथ ले लेंगे और उसमें इंटू 1.414 से हम गुना कर देंगे तो ट्रेबल लेंथ निकल जाएगा। तो उसमें जितना डिग्री का हो एल्बो उसके हिसाब से हम, तो ये 45 डिग्री का एल्बो है तो हम 45 डिग्री का एल्बो सेंटर माइनस कर दिए तो ये इतना 1160 आ गया यहाँ का लेंथ, ये डायमेंशन पाइप का ट्रेबल लेंथ। तो यही इसका फॉर्मूला है, 45 डिग्री हो तो उसका एक हम ले लेंगे डायमेंशन और उसमें इंटू 1.414 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा ट्रेबल लेंथ। तो फ्रेंड इस तरीका का नीचे एक लाइक बटन होगा, उसे आप दबा के बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। और फ्रेंड हमारे चैनल के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस तरीका का नीचे रेड बटन होगा तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो जैसे बन के आए तो आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।